वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं ज्योतिषी प्रदीप मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो किस विषय पर आधारित है वह आपने थंबनेल देखकर अनुमान लगा ही लिया होगा। यहाँ साल का अंतिम महीना कुछ देकर जाएगा, बड़ा परिवर्तन होना तय है, 100%। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि 1 से 31 दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, प्रेम जीवन में बदलाव होगा, सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार की स्थितियां क्या रहेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी मिलेगी या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्या कुछ बड़ा होगा जिनकी आप आशा करते हैं, और यह साल का आखिरी महीना सिंह राशि को किस तरह से सरप्राइज दे सकता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे पूरे 31 दिन की सटीक भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष के आधार पर। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले एक जरूरी सूचना, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अगर आप इसे लग्न राशि पर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, और जिनको चंद्र राशि या फिर लग्न राशि मालूम ही नहीं है वह अपने प्रसिद्ध नाम की राशि से भी इसे सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर महीना सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि आपके आपके परिवार के मेंबर जो सिंह राशि के हैं उनके लिए साल का अंतिम महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि फल 2023 के अनुसार 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच का समय सजगता से आगे बढ़ने का और जो अवसर मिल रहे हैं उसे प्राप्त करके आगे बढ़ जाने का है। परिवर्तन का समय है, बदलाव का वक्त है, इसलिए इस महीने में अब धैर्यपूर्वक आगे बढ़े, सुधार की प्रक्रियाओं का सम्मान करें और आर्थिक मामले को लेकर लाभ प्राप्त करें। हम जानते हैं कि आप लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने के शौकीन होते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही जोशीला होता है, आप में आकर्षण होता है, आप अपनी बात सबके सामने रखते हो और यही आपकी कामयाबी के सूत्र है और इसे हम इनकार नहीं करते। हम जानते हैं आपको आगे बढ़ना है, जीवन में सुख प्राप्त करना है और यही सब प्राप्त करने के लिए दिसंबर महीना आपको ढेर सारे अवसर देगा। क्योंकि आपके धन के स्वामी बुध सूर्य के साथ पंचम भाव में उपस्थित है तो वह क्या करेंगे, वह सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों के जीवन में अनुकूल परिणाम देने लगेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए वेतन वृद्धि और पदोन्नति के चांस बनने लगेंगे, अवसर उपलब्ध होगा। हम जानते हैं पिछले 1-2 महीने में चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई थी, वह धन के कारण सहकर्मी और वरिष्ठों की ओर से हो रही थी, तो अब उससे निजात मिलेगी। अगर आप जीवन की बेहतरी के लिए नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो सूर्य इसमें आपकी मदद करेगा। इसके अलावा विदेश में भी आपको व्यापार और नौकरी में नई उपलब्धियां दिलाने में वह आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। जब दिसंबर में आपके 7वें भाव में शनि अपने ही घर में स्थित होंगे और पिछले ही समय में वह मार्गी हो गए हैं तो वह आपके गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त कर देंगे। आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। पार्टनरशिप से बिजनेस चल रहा है तो वह बिजनेस अब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ने लगेगा। पति पत्नी एवं जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति बन रही थी, आप कहते क्या थे वह समझते क्या थे, आप समझाते कुछ और थे और वह उनका मतलब कुछ और निकालते थे, यही छोटी छोटी चीज पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन रही थी, तो यह तनाव पूर्ण रूप से खत्म होगा। पति पत्नी के बीच में अब रिश्ते मजबूत होने लगेंगे, प्यार बढ़ेगा, यात्राएं करेंगे, जो केवल पति पत्नी के बीच में ही नहीं जो लंबे समय से रिलेशनशिप में है उनके साथ भी ऐसा हो रहा था, तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, रोमांस के अवसर मिलेंगे, यात्राएं होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो एक मौका आपको भी मिलेगा। जिनकी कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, घाटे में चल रही थी, तो वही घाटा मुनाफे में तब्दील होगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से आप पीड़ित है तो उसे छुटकारा मिलने का योग बनेगा। जब 13 दिसंबर से बुध ग्रह बकरी हो गए तब
तब व्यवसाय की दृष्टि से मिश्रित फलदायक समय रहेगा। जो लोग सरकारी सेवा में कार्यरत है उन्हें अपने अधिकारियों को प्रसन्न रखना होगा, वरना स्थानांतरण या फिर विभागीय परिवर्तन की भी स्थिति बन सकती है। संभालिए अपने आप को। जो प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी छानबीन करना बहुत ही जरूरी होगा, वरना आप बड़ी असहज स्थिति में फंस सकते हैं या फिर फंसाया भी जा सकता है। जैसे ही 16 दिसंबर से सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे, गुरु के घर में पहुंचेंगे, तो माता पिता और पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ देने लगेंगे। सरकार संबंधित कार्य से संबंधित जो बात लंबे समय से अटकी हुई थी वह पूर्ण होगी। आपके सामाजिक रिश्ते सुधरने लगेंगे। आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं या फिर नई योजनाओं पर कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए खुशखबरी मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि दिसंबर महीने में बड़ा परिवर्तन होगा और यह तय है। आप स्वयं उनका अनुभव कर सकेंगे कि अब आपको अपनों का साथ मिल रहा होगा। कम से कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त करने लगेंगे। जीवन का स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर को ऊंचा बनने के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे वह साकार होंगे। आप राजकीय सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा सलाहकार, विद्युत विज्ञान या फिर सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं या आपका संबंध है या फिर इससे संबंधित आपका कामकाज है तो आप स्वयं एक लाभ की अग्रिम पंक्ति में खुद को पाएंगे। और यह मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं, यह होगा क्योंकि जब जब गुरु मंगल की राशि में आए हैं, भाग्य भाव में आए हैं, तो उन्होंने लाभ दिया है, 100% लाभ दिया है। खास तौर पर रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासन या फिर कृषि उद्योग, कृषि कार्य, कपड़ा, अनाज से संबंधित जो लोग हैं वह भी अपने जीवन के नए पड़ाव देखने के लिए तैयार हो जाए। आप चाहते थे कि आपका कारोबार देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी फले फूले, तो ये आशा भी पूर्ण होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक से अवसर उपलब्ध होंगे। कई चीजें अचानक से होगी जिनका शायद आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे ऐसे महायोग हैं जो आपको सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जानो, कुंडली को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मंगल 27 दिसंबर तक आपके चतुर्थ भाव में है तो आपको मौसमी बीमारियां परेशान करेगी। सर्दी, जुकाम और कमर दर्द से संबंधित समस्याएं होगी तो उससे संबंधित आपको थोड़ा सा अब ध्यान भी रखना होगा। सेहत को लेकर संभालना है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की देखभाल करनी बहुत ही आवश्यकता होगी, वरना खर्च भी होगा और परेशान भी होगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर अच्छा रहेगा। क्या करें उपाय? पूरे महीने के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से पहले सफेद वस्त्र न पहने, सफेद चीजों का दान न करें और हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रार्थना करें या फिर मंदिर में केले का भोग अर्पण करें, दान करें। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।